हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट हेल्थ। आज हम BEG 101 का टॉपिक रिदम डिस्कस कर रहे हैं, और इसके पहले मैंने आपको बताया है कि वेरियस जो लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं इनका क्या यूज़ है, तो आप उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। और इसके जो सब्सिक्वेंट पार्ट्स होंगे, जहाँ पे कि राइम, एलिटरेशन, एजोनेंस एक्सेट्रा को मैं डिफाइन करने वाला हूँ, उन वीडियोज़ को भी आप सब्सिक्वेंटली चेक कर सकते हैं टू गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। और इनसे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपको हमारे ब्लॉग पर मिल जाएंगे, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाके उसको चेक करें। तो स्टार्ट करते हैं कंटेंट को। तो देखो, रिदम को हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसका यूज़ होता कैसे है। इसमें हम लोगों को दो टर्म्स मिलेंगे, आयम्बिक मीटर और मीटर, प्लस हमें सिलेबल्स के बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा, तो हम लोग उन चीज़ों को कंसिडर करेंगे। और जहाँ तक सिलेबल्स की बात है, ये आपको BEG 102 के वीडियोज़ में मिलेगा, जहाँ पर सिलेबल्स क्या है, स्ट्रेस्ड क्या है, कौन सा हिडन सिलेबल है, ये सब पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी का कंटेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिदम है क्या। तो रिदम रेफर्स टू अ मूवमेंट दैट रिकर्स और अकर्स रेगुलरली आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स ऑफ टाइम। लेकिन अगेन, ये इंटरवल्स ऑफ टाइम फिक्स्ड होने चाहिए। तो फिर से पढ़ते हैं, द टर्म रिदम रेफर्स टू मूवमेंट दैट रिकर्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम और अकर्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, बट द टाइम पीरियड या फिर जो कि टाइम इंटरवल है, दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड। इंग्लिश हैज वॉट वी कॉल स्ट्रेस टाइम्ड रिदम। अब स्ट्रेस टाइम्ड रिदम क्या है, पहले तो रिदम को ही देख लेते हैं कि रिदम क्या है। तो देखो, रिदम में हमने पढ़ा कि वो एक मूवमेंट है जो कि बार बार रिकर हो रहा है। से फॉर एग्जांपल, हम एक बॉल को दीवार पे मार रहे हैं, तो जब वो बॉल वापस मेरे हाथ में आ रहा है, हम जब उसको दोबारा मार रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ रिदम। क्योंकि क्या हो रहा है, हर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हम उस बॉल को दीवार पे मार रहे हैं और वो वापस टकरा के मेरे हाथ में आ रहा है। लेकिन जब इंग्लिश में हम लोग रिदम को देखते हैं, तो रिदम में इंग्लिश का जो मीनिंग है, इंग्लिश में जो रिदम का मीनिंग है, दैट इज़ अबाउट आप जब कोई वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हो, आप किसी एक वर्ड के पार्ट पे, किसी सिलेबल पे आप स्ट्रेस दे रहे हो, आप ज़्यादा जोर से उसको बोल रहे हो और बाकी जो कि पार्ट है आप उसको धीरे से बोल रहे हो। तो इससे क्या होगा कि लैंग्वेज में अगेन रिचनेस आता है और पढ़ने में वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। दिस इज़ द मेन यूज़ ऑफ यूजिंग रिदम, राइम, एलिटरेशन, एजोनेंस की। कोई भी लिटरेरी डिवाइस इसीलिए यूज़ किया जाता है कि टेक्स्ट को या फिर पीस ऑफ जो कि आपका रिटन टेक्स्ट है उसको और अपीलिंग बनाया जा सके। तो इंग्लिश में हम लोग देखते हैं कि देयर हैज़ बीन द यूज़ ऑफ स्ट्रेस टाइम्ड रिदम। यहाँ पे सिर्फ रिदम ये नहीं है कि हम लोग वर्ड्स को बार बार रिपीट करते हैं, बट ऑल्सो द यूज़ ऑफ स्ट्रेस इन इट, और दोनों को मिला देते हैं तो दैट बिकम्स अ स्ट्रेस टाइम्ड रिदम। कि एक तो आपके टाइम के हिसाब से कि आप कितने टाइम के बाद बाद यूज़ कर रहे हो, प्लस द स्ट्रेस कि किस पे हम स्ट्रेस डाल रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर बन जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या बनता है। अब मान लो कि हम लोगों के पास में कोई एक सिलेबल है और उसको हम लोग स्ट्रेस कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद, रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ इंटरवेनिंग से अनस्ट्रेस सिलेबल्स, तो उसमें हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द स्ट्रेस टाइम रिदम जो कि फॉर्मेट है, उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, अ चेंज ऑफ एयर वुड डू यू गुड। तो हम लोग इसको कैसे करें कि अ हो, ऑफ हो, वुड हो या यू हो, इन पे उतना स्ट्रेस नहीं दे रहे, लेकिन हम लोग देखोगे जहाँ पे चेंज बोल रहे हैं, अ चेंज ऑफ एयर वुड डू यू गुड, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कि सेकेंड पार्ट है, चेंज हो, एयर हो, डू हो या फिर गुड हो, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। तो दिस मेक्स कि आप जब इसको बोल रहे हो तो जो कि है चेंज ऑफ एयर आप पे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और वुड डू यू गुड, इट वुड बेनिफिट यू। तो यहाँ पे जो कि स्ट्रेस सिलेबल्स हैं, इनको मार्क करने का तरीका भी है कि आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करना है उसके ऊपर में, आपको साइन यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर डिस्कशन में पूछता है, डिस्क्रिप्शन में पूछता है व्हाट इज़ रिदम, व्हाट इज़ आयम्बिक मीटर, तो ये आपको लिखना है कि पहले रिदम क्या है, क्यों यूज़ होता है, एंड देन हाउ यू डिनोट अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। सिलेबल का डिस्क्रिप्शन हम लोग BEG 102 के वीडियोज़ में देखने वाले हैं, तो उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे 8 सिलेबल्स हैं, आपको दिख रहा है 8 वर्ड्स हैं, इनको एक बार में ही बोला जा रहा है, इसलिए ये सिलेबल्स बन जा रहे हैं, जिनमें से कि 4 स्ट्रेस्ड हैं एंड दे कम आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम कैसे, कि हर एक सिलेबल के बाद एक स्ट्रेस सिलेबल आ रहा है। जैसे ए एक सिंगल सिलेबल है लेकिन वो अनस्ट्रेस्ड है, वहीं उसके बाद आता है चेंज, तो दैट इज स्ट्रेस्ड। सिमिलरली ऑफ अनस्ट्रेस्ड या फिर एयर स्ट्रेस्ड हो गया, तो इन दिस वे इट इज़ कंटिन्यूइंग आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो वी हैव अ रिदमिक पैटर्न कंसिस्टिंग ऑफ अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल्स कमिंग अल्टरनेटली। और जो कि आपको पैटर्न दिखेगा वो यू और आई के तौर पर दिखेगा। यू यहाँ पे है वो रिप्रेजेंट करता है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल को और आई रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेस्ड सिलेबल को। तो UI पैटर्न आपको ये मिलेगा, और इसी में जाके आगे आयम्बिक मीटर वो डिस्क्राइब होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि मीटर का डिस्क्रिप्शन क्या है, फिर हम लोग आयम्बिक मीटर में क्या दो सब इसके सीक्वेंट पार्ट्स आते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो काइंड ऑफ रिदम है,
यूआई वाला, पहले यूआई उसके बाद आईआई, ये बहुत कॉमन है पोइट्री में और इसको आपको कई जगह पे यूजेज इसका दिखेगा, और इसी को हम लोग आयम्बिक मीटर कहते हैं। तो आयम्बिक मीटर का अगर डेफिनेशन लिखना है तो हम लोग ये लिखेंगे कि अगर हम लोग पहले अनस्ट्रेस सिलेबल को एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं फॉलोड बाय अस्ट्रेस सिलेबल, और इस तरह से एक रिपीटेटिव पैटर्न बन जाता है, तो दैट बिकम्स एन आयम्बिक मीटर। मीटर जो कि है, आपको पता है हम लोग स्केल वगैरह के टर्म्स में भी मीटर को यूज़ करते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो उससे इसको जोड़ के नहीं देखना है, इसको एक अलग टर्म के तौर पे देखना है कि मीटर इज़ द टर्म यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ स्ट्रेस सिलेबल्स दैट फॉर्म द बीट्स और फीट एंड द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस सिलेबल्स इन ईच लाइन ऑफ अ पोएम। तो मीटर जो कि है ये सिर्फ ये चीज़ को इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ स्ट्रेस सिलेबल्स कितने हैं जो कि बीट्स या फिर फीट को तैयार कर रहे हैं, और इनका अरेंजमेंट कैसा है कि स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स में जो कि लाइन है पोएम का वो ये कैसे तैयार कर रहे हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन आयम्बिक मीटर एंड मीटर। जहाँ आयम्बिक मीटर में हम लोग ये देख रहे थे कि एक रिदम है यू आई, वहीं मीटर में हम लोग इस चीज़ का डेफिनेशन देख रहे हैं कि इट इज़ द टर्म विच इज़ यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ स्ट्रेस सिलेबल्स दैट फॉर्म द बीट्स, और उसी के बाद हम लोग देखेंगे कि एंड द अरेंजमेंट ऑफ दीज स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल्स जो कि एक लाइन ऑफ पोएम में है, ये सब मीटर के अंतर्गत आता है। और आयम्बिक मीटर में तो मैंने बताया कि हम लोग वहाँ पर सिर्फ इस चीज़ से कंसर्न है कि पहले अनस्ट्रेस सिलेबल आए एंड देन स्ट्रेस सिलेबल आए। तो आई जो कि है ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेस सिलेबल को। अब वहाँ पे यूएस मत लिख देना, ये बहुत गलती होती है स्टूडेंट्स में कि हम लोग अनस्ट्रेस के लिए यू यूज़ करें तो फिर स्ट्रेस के लिए एस यूज़ कर दें, ऐसा नहीं होता है, ऑलवेज यूज़ यू आई पैटर्न। फिर हम लोग इसके बाद का स्टेटमेंट देखते हैं कि सो वी से द लाइन गिवन अबव इफ इट हैपन्स टू बी अ लाइन ऑफ पोएट्री हैज़ 4 बीट्स और 4 फीट इफ वी हैव अ पैटर्न इन विच 1 वीक, अगेन अनस्ट्रेस सिलेबल को हम लोग वीक सिलेबल भी कहते हैं और जो कि स्ट्रेस सिलेबल है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग सिलेबल कहते हैं क्योंकि उसको हम लोग ज़्यादा जोर दे के बोल रहे हैं। तो जहाँ पे अनस्ट्रेस सिलेबल है पहले और उसके बाद में स्ट्रेस सिलेबल है तो वो आयम्बिक मीटर होता है। वही बात को घुमा फिरा के यहाँ पे लिख दिया गया दोबारा से, तो दैट डज नॉट नीड अ डिस्क्रिप्शन। फिर आते हैं कि मोस्ट इंग्लिश पोएट्री इज़ रिटन इन दिस मीटर। जाहिर सी बात है आपने इस चीज़ को बचपन में काफ़ी सारे राइम्स पढ़े होंगे, वहाँ पे यही चीज़ होता है। और रिदम में, रिदम का यूज़ अगर नहीं हो राइम में तो वो याद होने में आसानी भी नहीं होगी एंड हैंस किड्स को याद करने में काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो इन चीज़ों का जो कि रिदम है, राइम है, ये सब का यूजेज मेनली लिटरेचर को अपीलिंग बनाने के लिए एंड ईजी टू कम्प्रीहेंड बनाने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंग्लिश पोएट्री इज़ रिटन इन दिस मीटर एंड वन हैज़ टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द मेटरिकल पैटर्न्स इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट एंड एन्जॉय पोएट्री। अगेन वो जो पोएट्री है उसके लिए आपके पास इतना सा ज्ञान होना चाहिए कि मेटरिकल वे में आप उसको एनालाइज कर सको ताकि आप उस पोएट्री को मीनिंग, उस पोएट्री से जो मीनिंग निकल रहा है उसको समझ सकें एंड उसको अप्रिशिएट करके इन्जॉय कर सकें। अब अगर किसी ने कभी इंग्लिश पढ़ा ही नहीं हो, उसको सिर्फ ABCD पढ़ना सिखा दिया जाए एंड उसको बोल दिया जाए आप एक मीटर्ड टेक्स्ट को पढ़िए, तो उसके लिए तो ये एक डिफ़िकल्टी हो जाएगी, वो जानता ही नहीं है कि स्ट्रेस कहाँ देना है कहाँ पर स्ट्रेस नहीं देना है, और इससे क्या होगा, द टेक्स्ट विल नॉट अपीयर टू बी अपीलिंग टू हिम और टू हिज लिसनर्स। तो अगेन एक अच्छा वक्ता होना ज़रूरी है अगर भी आपको एक अच्छे पीस ऑफ टेक्स्ट को प्रेजेंट करना है। अ गुड डील ऑफ साउंड्स स्पेशल साउंड इफेक्ट्स एम्ड एट बाय राइटर्स एस्पेशली पोएट्स डिपेंड्स ऑन सच पैटर्न्स ऑफ अ रिदम। तो जैसा मैंने कहा कि पोएट्स या फिर राइटर्स जब लिखते हैं तो दे हैव इन देयर माइंड अ सेट ऑफ थिंग्स कि जब ये कोई बंदा पढ़ेगा तो उसको कैसी फीलिंग आनी चाहिए, उसके मुंह से कैसे साउंड्स आने चाहिए, और जो उसके लिसनर्स हैं, जो बोल रहा है उसके जो लिसनर्स होंगे वो इस चीज़ को कैसे कंसीव करे, कैसे उसको अपीलिंग पाए। तो अगेन कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड द राइटर्स राइट दीज राइट देयर लिटरेरी टेक्स्ट यूजिंग दीज साउंड इफेक्ट्स, और इससे स्पेसिफिक वो लोग इफेक्ट्स पा लेते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नीचे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, इसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिए, और अगर कोई डिफिकल्टी होती है देन आस्क इन द कमेंट और कम्युनिटी सेक्शन, वहाँ पे हम लोग इसका रिप्लाई पोस्ट कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।